अनुदेशक शिक्षक शिक्षा मित्रों को करना होगा 30 अप्रैल तक हाउस होल्ड सर्वे पूर्ण। अनुदेशक शिक्षा मित्र समान कार्य समान वेतन मन की बात कब करेंगे मोदी जी? शिक्षक चयन को नया आयोग गठित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं निर्देश, शीघ्र गठित किया जाएगा नया आयोग। एक ही आयोग से बेसिक शिक्षक माध्यमिक उच्च और प्राविधिक का आयोजन किया जाएगा चयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुदेशक न्यूज़ में, जो कि है आपके संघर्ष का साथी। साथियों, यहां पर बताना चाहेंगे अभी आदेश आया है, शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशकों को घर घर जाकर छात्र नामांकन बढ़ाने के लिए हाउस होल्ड सर्वे करना होगा। और ये सर्वे 30 अप्रैल तक विद रिकॉर्ड पूर्ण करना होगा। इसका पूरा विवरण भी रखना होगा, प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक अभिभावक का, और इसको 30 अप्रैल तक पूर्ण करना है। शिक्षक विभाग लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में अब एकीकृत चयन आयोग के माध्यम से ही सभी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शिक्षकों का चयन किया जाएगा। अलग अलग शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। ये आयोग समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन के बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में उपयोगी साबित होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के एक स्वायत्त शासी निगमित निकाय का स्वरूप मिलेगा। इसी आयोग से ही अध्यापकों की सीधी भर्ती के संबंध में पॉलिसी बनेगी। चयन परीक्षा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से शिक्षक चयन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को संस्तुति की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का आयोजन भी नया आयोग कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोकसभा में एक बैठक में उत्तर प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन वो आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए आयोग के स्वरूप, अध्यक्ष व सदस्यों की अर्हता, आयोग की शक्तियों और कार्यों के संबंध में रूपरेखा तय करके प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। TET समय से कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल प्रदेश में संचालित बेसिक माध्यमिक उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी, बोर्ड व आयोग गठित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों के चयन प्रक्रिया की जा रही है। इसी तरह से उच्च माध्यमिक स्तर की अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबंध बोर्ड, तकनीकी संस्थाओं के लिए बोर्ड और ऑफ गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। व्यावहारिक सुधारों के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन के लिए एकीकृत आयोग का गठन किया जाना उचित होगा। संस्कृत महाविद्यालय और मदरसे भी दायरे में हैं। अनुभवी VC व ISA अधिकारियों होंगे अध्यक्ष। इन संस्थाओं को शिक्षक देगा नया चयन आयोग। नवीन आयोग से परिषदीय जूनियर बेसिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल और संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय, राजकीय हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजों, अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजों, राजकीय और सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं शीघ्र गठित किए जाने के निर्देश। अगला समाचार आ रहा है, शारदा योजना के तहत प्रतिदिन स्कूल आने के लिए नामांकन और बच्चों को प्रेरित करना होगा। अभिभावकों को घर जा जाकर हाउस होल्ड सर्वे के तहत योजनाओं का प्रचार प्रसार शिक्षक अनुदेशक शिक्षा मित्रों को करना होगा। स्कूल चलो अभियान, शारदा योजना और साथ ही हाउस होल्ड सर्वे आदि कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को चिन्हीकरण, पंजीकरण और नामांकन कराकर उन्हें प्रतिदिन स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है। और ये कार्य 30 अप्रैल तक शिक्षा मित्र शिक्षक और अनुदेशकों को पूर्ण करना है। लेकिन यहाँ पर बात सवाल उठता है, अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मन की बात श्री मोदी जी को याद है और कब होगी उनके मन की बात, कब मिलेगा उनको समान कार्य समान वेतन? अभी भी सवाल बना हुआ है। अनुदेशक शिक्षा मित्र अपने कार्य को पूर्ण रूप से
कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को शिक्षित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए तन मन धन से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लगातार नौनिहालों को तैयार कर रहे हैं और देश को शिक्षित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत हैं। क्या इतना भी हक नहीं बनता है कि उनको कम से कम रोजी रोटी जो ठीक से चल सके उतना वेतन मिल सके। आज की खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।